ठीक है, बाय। किसका फोन था? किससे बात कर रहे थे? अच्छा, शांसे की कॉल थी। क्या कह रही थी? मेरी ने एक बात बताओ, अंकल आंटी से तुमने बात कर ली? क्या कहा उन्होंने? कहना क्या था? उन्हें किसी बात पर डिनाई नहीं, हमेशा की तरह फैसला हम दोनों पर छोड़ा। ये पहले बहुत देर हो चुकी है, बहुत वक्त जाया कर चुके हो तुम, और अब तो तुम इतने डिस्टर्ब हो कि अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे। तुम कोई फैसला क्यों नहीं कर लेते? क्या करूं मेहरी, मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रहा हूं यार। सिर्फ पहला कदम उठाना मुश्किल होगा, और वो तुम्हें उस वक्त उठाना चाहिए था जब तुम्हें सच्चाई का पता चले। सुहेब, इस वक्त फकार अनबी को तुम्हारी बहुत जरूरत है। शांजे का सेपरेशन हो रहा है, उस घर को, उस हर चीज को तुम्हारी जरूरत है, और इस वक्त सबसे ज्यादा तुम्हारा वहां होना जरूरी है। तुम्हें क्या खाली हाथ जाऊं उनके पास? जो कुछ भी मिला था, प्रॉपर्टीज, शेयर, सब कुछ तो मैं इन्वेस्ट कर चुका हूं। क्या वालदेन औलादों के हाथों को नहीं देखते कि वो खाली हैं या भरे हुए? नहीं जी, वालदेन सिर्फ अपनी औलाद का दिन देखते हैं, और उसमें ये देखते हैं कि उनके लिए कितना एहसास और कितनी मोहब्बत है।